हेलो जी, वेलकम बैक बॉलीस विद मनीष। तो फर्स्ट टाइम मैं राम गोपाल जी का डी कंपनी मूवी रिव्यू कर रहा हूँ। मेरा नसीब के लिए ना बहुत बड़ी बात है, बट एवर जो भी हो, राम गोपाल वर्मा का डी कंपनी मूवी ऑलरेडी आ चुका है। और इस मूवी के अंदर एक ही चीज़ कहना है, ना ही कोई कॉन्टेंट है, ना ही कैमरा प्ले है, ना ही बैकग्राउंड म्यूजिक है, ना ही स्क्रीन प्ले है, बस एक ही चीज़ है, वो है बकवास। राम गोपाल वर्मा जो एक टाइम का मतलब शिवा जैसे मास्टरपीस हमारे सामने रखने वाला ऐसे डायरेक्टर था, जिसका नीचे अनुराग कश्यप मतलब काम करता था, आज राम गोपाल वर्मा जिसने डी कंपनी का खुला चिट्ठा हमारे सामने खोल कर रखा था, जिसने डी कंपनी के एक्शन का बैकग्राउंड म्यूजिक हमें दिखाया, जिसने शिवा रंगीला जैसे मास्टरपीस हमारे सामने रखा, उसके बाद नाच के बाद डी कंपनी का राम गोपाल वर्मा जैसे लगा कहीं गायब हो गया। एक वक्त था रिक्स मतलब राम गोपाल वर्मा, रिक्स है तो भाई हिट है, ऐसा स्टोरी मास्टरपीस हमारे सामने पेश करता था, लेकिन आज राम गोपाल वर्मा ऐसे लगा सबका पीछे कहीं जैसे गायब हो गया। मेन रीजन है टाइम बदल रहा है, लेकिन राम गोपाल वर्मा का जो थिंकिंग है ना वो कभी बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। जो था घिसा पिटा पहले जमाने का जो स्टोरी था वही घिस पिट का सामने पेश करने की कोशिश करता है। जो आज की फिल्म रिलीज हुआ डी कंपनी, वही स्टोरी, पुराना घिसा पिटा स्टोरी, ना ही स्टोरी में किसी के अंदर दम है, ना ही स्टोरी लाइन है कुछ, ना ही कुछ डायलॉग है, ऐसे घिसा पिटा स्टोरी हम थक चुके देख देख के। एक टाइम था नया चीज़ हमें देखने अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन देखने के बाद वो चीज़ हमें बोर करने लगता है। वैसे ही राम गोपाल वर्मा का स्टोरी भी हमें स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा था, लेकिन आज का दिन बात करूँ तो बकवास लगने लगा है। मतलब सोच सोच के ऐसा स्टोरी देख देख हम थक चुके हैं। कुछ नया सबको देखना चाहिए, हर कोई चाहता है कुछ नया देखे, लेकिन ये राम गोपाल वर्मा को भी सोचना चाहिए। तो भाई मेरा वीडियो में इसमें इससे ज़्यादा रिव्यू कुछ देना नहीं था आपको। मेरा वीडियो अच्छा लगे जरूर लाइक करो, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।